अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कांग्रेस की ओर से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। न्याय पत्र इसको नाम दिया गया है, कई गारंटियां इसमें दी गई हैं। अब देखना यह है कि जनता इन गारंटियों पर कितना भरोसा दिखाती है। मैनिफेस्टो एक तरीके की प्रक्रिया, एक तरीके की रस्म है जब जो अदा की जाती है चुनावों में पार्टी विशेष की ओर से कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपके लिए ये गारंटियां, ये वादे लेकर आएंगे, आप इनको पढ़िएगा और हमसे पूछ लीजिएगा कि हमने ये काम किए या नहीं किए। अब ऐसे में तीन जगहों पर, और आज तो आप यहाँ की तस्वीर देख रहे हैं, कल हैदराबाद में भी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा वहां की लोकल भाषा में, और उसके बाद जयपुर में भी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा जहां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहने वाले हैं। तो ये न्याय पत्र नाम दिया गया है और ये जारी किया गया, जिसमें मैं पहले पेज पर अगर तस्वीरें बताऊं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की दिखाई दे रही है, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए कई गारंटियां दी गई हैं। लेकिन क्या ये गारंटी कांग्रेस को गारंटी दे पाएगी कि वो चुनावों में वापस आ रही है, यानी कि सत्ता में वापस आ रही है? 5 न्याय 25 गारंटी नाम दिया गया है, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, ये है कांग्रेस की 5 न्याय की गारंटी। अब जनता इन पर कितना भरोसा दिखाती है वो देखना होगा। दलित आदिवासी पिछड़ों को 5 गारंटी दी गई है, किसानों को 5 गारंटी दे दी गई है, महिलाओं को 5 गारंटी दी गई है, श्रमिकों को 5 गारंटी दी गई है, युवाओं को 5 गारंटी, यानी कि कुल मिलाकर जैसा होता है चुनावी मैनिफेस्टो जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश होती है ताकि हर एक वर्ग का जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़े, उनको साधने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम पहले भी कह रहे थे, जो हम फिर से कह रहे हैं कि क्या ये गारंटी वोट में तब्दील हो पाएंगी, क्योंकि 2019 में भी लोक लुभावन वादे कांग्रेस की ओर से किए गए लेकिन जनता को कांग्रेस का साथ पसंद नहीं आया। ये मैनिफेस्टो, पहली नौकरी पक्की होगी, ये न्याय दी गया है युवाओं को, भर्ती भरोसा दिया गया है, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, ये जो युवाओं को गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं वो इस मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। और इसके साथ नारियों को दे रहे हैं ये गारंटी कि मां लक्ष्मी योजना आएगी, आधी आबादी पूरा शक्ति का सम्मान होगा, अधिकार मैत्री होगी, सावित्री बाई फूले हॉस्टल्स खोलेंगे। तो ये अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है इस मैनिफेस्टो के जरिए, जो आमतौर पर आप किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में देखेंगे। लेकिन देखना यह है कि ये जनता तक कितनी जाती है। दूसरा, किसानों को जो है वो दे दिया गया है कि सही दाम दिया जाएगा, जो आपका कर्जा होगा उससे आपको मुक्त कर दिया जाएगा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जीएसटी मुक्त खेती कर दी जाएगी, उचित आयात निर्यात नीति रखी जाएगी अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं, यानी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये सब गारंटी कांग्रेस की ओर से दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये घोषणा पत्र घर घर तक पहुंच पाएगा? क्योंकि घोषणा पत्र एक औपचारिकता होती है, घोषणा पत्र चुनावों की एक रस्म होती है जिसे हर पार्टी अदा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपको ये गारंटी देने जा रहे हैं, हम ये काम आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये गारंटी आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस ये कहती रही है कि हम ये कैसे करें क्योंकि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है उतने के हमारे एक व्यक्ति तक जाएं। लेकिन अब ये कैंपेनिंग में तब्दील कितना होता है, और जो पहला पेज है उसको भी देखकर आप समझ सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को रखा गया क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरा बड़ा चेहरा आज भी कांग्रेस का अगर कोई है तो वो राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी जिन्होंने इस बार अमेठी को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कह दिया, वायनाड से इस बार भी उन्होंने अपना पर्चा भर दिया, वायनाड क्योंकि कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां से फिर से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि उनका ये घोषणा पत्र लोगों को कितना पसंद आता है। हम ये भी दिखा रहे हैं आपको कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कहां कहां होना है जारी। कल जो है जयपुर में होगा, दोपहर 12 बजे होगा, और वहां पर मौजूद रहेंगी सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की, और मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस के। हैदराबाद में भी जारी होगा जहां पर राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं, कल शाम 7 बजे ये जो है जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पिछली बार भी कई वादे लेकर आया था, 2019 में बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस को जनता का साथ नहीं मिला। क्या इस बार के मैनिफेस्टो पर इतना भरोसा जनता जताती है या नहीं जताती है? क्योंकि न्याय जो योजना है उसका जिक्र 2019 के घोषणा पत्र में भी था, न्यूनतम आय योजना इसको कहा गया है, 72,000 सालाना दिए जाएंगे, जो 20% सबसे गरीब लोग हैं उनको दे दिया जाएगा, लेकिन पिछली बार भी जनता ने इसे नकार दिया और 2019 में भी कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंट है वो भी नीचे आया था, सीट्स गिर गई थी। और इस बार तो और ज्यादा मुश्किल हालात इसलिए क्योंकि क्षत्रप की जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनके साथ में आपने जब हाथ मिलाया है तो उनके भी अपने अलग
वादे दावे, क्या उन पर भरोसा होगा? जॉब्स को लेकर पिछली बार भी गारंटी थी, इस बार भी गारंटी दी गई है कि भर्ती जो रुकी हुई है उन भर्तियों को हम सुचारू रूप से चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नौकरी आपको मिले। और रोजगार के मुद्दे पर तो कांग्रेस लगातार खेलती ही रही है, लगातार राजनीति में बैटिंग करती रही है, लेकिन उस बैटिंग का फायदा अब तक होता कांग्रेस को नहीं दिखा है। ये रस्म अदा कर दी गई है घोषणा पत्र की, और इसके बाद अब संभवतः हो सकता है कि राहुल गांधी भी आपको कुछ इस पर बोलते हुए दिखाई दे। Going class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work, the sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8%, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9%. The difference between 7.5%. पी चिदम्बरम को आप सुन रहे हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व की यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और एक बार फिर से जोर इसी बात पर दे रहे हैं कि हमारा फोकस नौकरियों पर है, ज्यादा से ज्यादा नौकरी लाई जाए। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, इस मैनिफेस्टो पर हाथ के हालात कितने बदलेंगे?